वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं जैसलमेर। जी हाँ जी दोस्तों, गोल्डन सिटी, इसे सोने की नगरी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पीला पत्थर निकलता है, जो आप देख सकते हैं। दुर्गेश भाई अपने दोस्तों को दिखाएं। और ये जो पत्थर जो है दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं, ये पत्थर जितना घिसेगा उतना ज़्यादा सिल्की होगा, बोले तो मारवाड़ी में मगर चिकना होगा। तो दोस्तों, और आप देख रहे हैं पीछे जो हम इस जगह पे आए हैं, ये है रामबाग। जैसलमेर में ये जगह रामबाग है, और यह जगह जैसलमेर से जब हम तन्नोट दर्शन करने माता जी के मंदिर जाते हैं, उसी रास्ते पे यह रामबाग है। तो काफ़ी लुभावना है, और आप देख सकते हैं तालाब भी भरा पड़ा है, और आप कह सकते हैं शम यहाँ पे रेगिस्तान में इतना पानी, और काफ़ी लोकेशन बहुत अच्छी है दुर्गेश भाई यहाँ पे। जी हाँ हरीश भाई, सही कहा आपने। कलाकृतियाँ आपको बता दूं दुर्गेश भाई, यहाँ पे यही कलाकृतियाँ देखने यहाँ पर फॉरेनर आते हैं, और राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं फॉरेनर आते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ पे आते हैं देखने। यहाँ की नक्काशियाँ, यहाँ का लुहावना देख आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक नक्काशियाँ की गई है, और यही नक्काशियाँ देखने लोग यहाँ पे आते हैं। चलते हैं हम भी इस ओर। तो दुर्गेश भाई, जी हाँ हरीश भाई, आपने सही कहा, यह राजस्थान का जैसलमेर ज़िले में एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ लोग आते हैं देखने यहाँ की नक्काशियाँ और चित्रकला का अनोखा नज़ारा। आप देख सकते हैं कलाकृति यहाँ की, सामने आप देखिए यहाँ पर ऐसी कई छतरियाँ है। जी हाँ हरीश भाई, आपको बता दूँ यहाँ पर ऐसी सैकड़ों छतरियाँ हैं, आप देख सकते हैं, और इसके इनका कलर भी देख सकते हैं आप पत्थर का, इसीलिए इसे पीला पत्थर कहते हैं। जी हाँ, सोने जैसा कलर। तो चलते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है दुर्गेश भाई, और यहाँ खूब टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ पे खूब आते हैं विदेशियों के साथ में, विदेशी भी यहाँ पे भ्रमण करने, हमारे भारत से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। जी हरीश भाई, आप यहाँ नक्काशी देख सकते हैं यहाँ की अनोखी। और पत्थर ये हरीश भाई, पहले के टाइम में ये एक छतरी, ऐसी छतरी बनाने के लिए करीबन 2-3 साल लग जाते थे। बिल्कुल दुर्गेश भाई, बहुत बहुत टाइम लगता था ऐसे बनाने में, ये हाथों से खड़ित है। वो और देखिए आप कितनी सुंदर नक्काशी है, वो सामने दिख रही है छतरी। हरीश भाई, हम भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए हैं। हाँ, घूमते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ की नक्काशी, देखिए अनोखा नज़ारा। हरीश भाई, अपने जो इतने वीडियो बने हैं, सबसे मनपसंद मेरे को ये लगा यहाँ की नक्काशी। बहुत ये मौसम भी आज थोड़ा लुभावना है, और इस साइड में तालाब है, पानी भरा पड़ा है, ये हरियाली है, और इसी के बीच में ये मतलब मानो एक सूरज चमक रहा हो बीच में से। जी हाँ हरीश भाई, बिल्कुल सही। सुनहरा एक बहुत ही अच्छा, दोस्तों आप जरूर आए यहाँ पे, रामबाग नाम की जगह है ये दोस्तों। और दुर्गेश भाई, हमारे दोस्तों को कहना चाहेंगे एक बार यहाँ जरूर आना। कलाकार अनोखा नजारा। ऊपर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं थोड़े नज़ारे। ये दुर्गेश भाई, यहाँ पवन चक्कियाँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं पीछे। जी हाँ, ये पवन चक्कियाँ हैं, और काफ़ी लगी है दुर्गेश भाई इस साइड, कुछ चल रही है, कुछ अभी बंद है। दुर्गेश भाई, इस पहाड़ी के बीच में ये जो छतरियाँ बहुत ही जो बनाई गई है, काफ़ी विचार विमर्श करके बनाई गई। तो हरीश भाई उधर चलते हैं। दुर्गेश भाई, ऊपर से ये जो गुंबद देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये ऊपर से और भी लुभावने दिखते हैं दुर्गेश भाई। यहाँ से देखिए हरीश भाई, तालाब का नज़र आ, पास में छतरिया,
कितना सुहावना नज़ारा है, देखिए आप। बिल्कुल दुर्गेश भाई, और इस साइड तो हरियाली भी ठीक है, ऊपर से तो और भी अच्छी दिख रही है। ये जो दुर्गेश भाई देख रहे हैं आप, अब हम छतरियों के बीच में सबसे ऊपर आ चुके हैं हरी भाई। हाँ दुर्गेश भाई, ये सबसे ऊपर ऊपर का टीला है, यहाँ मूर्तियाँ भी लगी है और कुछ लिखा हुआ भी कुछ है लिखा भी। ये भाषा दुर्गेश भाई पुरानी है और अपनी समझ से बाहर है। हरीश भाई सही कहा आपने, अपनी समझ से बाहर है ये भाषा दुर्गेश भाई। आज भी लोग ऐसे बैठे हैं दुर्गेश भाई, इन भाषाओं को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दुर्गेश भाई, मैंने आपको बताया था ना जी हरीश भाई, कि ये जो पत्थर है ना, ये जितना खिसेगा ना उतना सिल्की होगा, और इसकी चिकनाहट ये नहीं कि फिनिशिंग जो है ये हर समय बढ़ती रहती है दुर्गेश भाई, ये कभी खत्म नहीं होती। जी हरीश भाई आपने बिल्कुल सही कहा, देखो मेरी पत्थर बिल्कुल शाइनिंग हो गया है, शाइनिंग हो गया, मतलब चमक आ रही है। जितना पुराना होगा उतना चमकेगा, जितना पुराना होगा उतना चमकेगा, यही खासियत है जैसलमेर के पत्थर। अब हरीश भाई ये पत्थर भी चमकने का कारण है, आप ऊपर देखिए, ऊपर नहीं है, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ घूमने वो यहाँ हाथ वगैरह लगाते हैं, तो उनके हाथों से जो यहाँ पर घर्षण होता है उससे ये पत्थर में चमक आ गई है। और यहाँ पे हाथ पहुँचते नहीं है, और नक्काशी बहुत अच्छी की है दुर्गेश भाई, आप देखो ऊपर, आज के टाइम में तो ये बहुत दुर्लभ और मुश्किल काम है, ये नामुमकिन है। बराबर है हरीश भाई, 10-10 साल लग जाते हैं ऐसी नक्काशी करने में। आप देख सकते हो दुर्गेश भाई काफी हो। और हरीश भाई एक बात मैं आपको और बता दूं, इसकी ये खासियत है, जो यहाँ पर ये जो भी छतरियाँ बनी हुई है इनमें सीमेंट चूने किसी चीज़ का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ओनली रखा हुआ है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्थर के ऊपर पत्थर, बेजोड़ कारीगरी थी दुर्गेश भाई। और ये नीचे देखिए आप देख रहे हैं दुर्गेश भाई, देखो ये मूर्तियाँ लगी पड़ी है और इनके भाई लिखी हुई भाषा, जैसी आप ये क्या है कुछ है, थोड़ी दुर्लभ भाषा है दुर्गेश भाई, ज़्यादा छतरियाँ हैं। हरीश भाई यहाँ से आप लोकेशन देखिए इस चीज़ की, इस छतरियों की, बिल्कुल दुर्गेश भाई देखिए बहुत अच्छी दिख रही है, कितना प्यारा लोकेशन है। उस साइड वाली भी दुर्गेश भाई बहुत अच्छी लग रही है। जी हाँ अच्छी तो सभी अच्छी है हरीश भाई, लेकिन यहाँ हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से लोकेशन ही जो ये सामने वाले छतरियों का कितना प्यारा लग रहा है। दुर्गेश भाई ये जो आप तालाब देख रहे हो छोटा नहीं है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा है, पिछली साइड में भी ये पूरा इस साइड बना हुआ है, बहुत अच्छी नक्काशी की हुई दुर्गेश भाई। हर गुम्बद में अलग सी नक्काशी है, बहुत अच्छा सुंदर हरीश भाई, ये यहाँ का मुख्य पॉइंट है, मुख्य पॉइंट लोग यहाँ पर आकर अपने फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, खिंचवाते हैं, बिल्कुल सबसे बढ़िया और सबसे मुख्य पॉइंट ये यहाँ का जो यही है दुर्गेश भाई। ये काफी दूर तक गई है, तालाब छोटा नहीं है, आप देखिए देखिए आप पूरा यहाँ से लोकेशन, बिल्कुल दुर्गेश भाई बहुत लंबा बहुत दूर तक है, और आप देख सकते हो दुर्गेश भाई बहुत ही सीधी लगाई हुई है ये जो आप देख रहे हैं ना छतरिया। जी हरीश भाई बिल्कुल सही कहा, और हर छतरी का बनावट एक अलग सी है, आप देख रहे हैं दुर्गेश भाई, कोई ऊपर से यूं है, कोई पास में से, कोई गोल है, यहाँ ऊपर से आप जैसे हरीश भाई वो देखिए आप सामने, ये छतरी के ऊपर से बनावट अलग है, अलग है, और सेम ये पास में है देखिए, ये भी बनावट अलग है, और ये पास में और देखिए इसकी भी बनावट अलग है,
हर छतरी की बनावट आपको अलग नज़र आएगी, वो गुंबद की तरह है, देखिए आप उसको। हरीश भाई, अब अपने दोस्तों को हम और कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल लोकेश भाई, बिल्कुल हमारे दोस्तों को ज़रूर कहना चाहेंगे कि दोस्तों प्लीज शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो कर दीजिए। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और आपके पास भी कोई ऐसी जगह हो जो आप बता सकें हमें और हम उस पर वीडियो बनाएंगे ज़रूर और अमल में लाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जैसलमेर नगरी।